शुरू करूँ आ तीनों आदमी के मुँह देखा के मानते साथी कल का आंदोलन ऐतिहासिक होने के लिए जा रहा है। आप तमाम साथियों से अपील है, तमाम छात्र नौजवान से अपील है कि 15 जून के को होने वाले कल होने वाले आंदोलन में आप जरूर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ आकर 3 सालों की डिग्री 3 सालों में मांगने का काम करें और अपना अधिकार जो 3 सालों का डिग्री यहाँ के छात्रों को 5 सालों में दिया जा रहा है इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से विरोध करके विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताने का काम कीजिए कि युवा नौजवान जाग चुके हैं, अपने अधिकार की बात करेंगे, अपने हक की बात करेंगे, 3 सालों की डिग्री 3 सालों में लेने का काम करेंगे, 2 सालों का डिग्री 2 सालों में लेने का काम करेंगे। साथ ही पिछले समय काफी समय से जैसा कि विश्वविद्यालय में परिस्थिति चल रहा है छात्रों का रिजल्ट नहीं जारी हो रहा, एग्जाम का 10-10 महीना बीत जाने के बाद पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं जारी हुआ, पार्ट 2 के एग्जाम का 6-6 महीना हो गया है अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। कल विश्वविद्यालय प्रशासन आंदोलन के दबाव में आकर सेकेंड ईयर कॉमर्स का रिजल्ट निकाला, एक ऐसा रिजल्ट निकाला गया जिसमें ना परसेंटेज है ना मार्क्स है, बस एक कॉपी निकाल दिया गया है रोल नंबर के साथ जिसमें आधा से ज्यादा बच्चों को प्रमोटेड कर दिया गया। जेके कॉलेज के सारे बच्चों को यहाँ के कॉलेज के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा प्रमोटेड कर दिया गया, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पर छात्रों को शिक्षा नहीं मिलता हो उसके बावजूद यहाँ का विश्वविद्यालय जो 1800 करोड़ रुपए का बजट से यहाँ का विश्वविद्यालय चलाने का काम करते हैं वो छात्रों को आज ठगने का काम कर रहे हैं, छात्रों को जानबूझकर प्रमोटेड फेल करने का काम कर रहे हैं ताकि इनके दलाल छात्र नेता अंदर जाकर बैठकर 10,000-15,000 रुपए का उगाही करके इनका जो बैठाया डाटा सेंटर बैठाया गया है इनसे पैसे की वसूली किया जा सके जिसके कारण सैकड़ों हजारों छात्रों को फेल कर दिया गया, प्रमोटेड कर दिया गया है। हम पार्ट 2 के छात्रों से कह रहे हैं कि आप मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ कल आंदोलन में 10 बजे दरभंगा म्यूजियम से शामिल होइए, देखिए विश्वविद्यालय में जैसे हम लोगों ने पार्ट 3 के रिजल्ट के समय में जब 5,000 छात्रों को फेल कर दिया गया था तब हम लोगों ने आवाज बुलंद किया था, 1800 छात्रों को पास करवाने का काम किया था। इस बार भी कह रहे हैं, छात्रों से आह्वान कर रहे हैं कि जिनके भी छात्र को प्रमोटेड किया गया है आप लोग नाराज मत होइए, परेशान मत होइए, आप कल 10 बजे दरभंगा म्यूजियम में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ आकर आंदोलन में शामिल होइए और अपना अधिकार मांगने का कोशिश कीजिए और अधिकार कैसे लिया जाता है यह मिथिला स्टूडेंट यूनियन आपको सिखाने का काम करेगा, कैसे रिजल्ट कॉमर्स का फिर से जारी करवाया जाएगा यह चीज आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेगा। तो आप लोगों से आह्वान कर रहे हैं, छात्र समाज से आह्वान कर रहे हैं, पीजी के छात्रों से आह्वान कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों से कह रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर के छात्रों से कह रहे हैं, 19-21 वाले छात्रों से कह रहे हैं कि आपका 22 सेशन चल रहा है अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम ले लिया गया 6 महीना पहले अभी तक रिजल्ट नहीं घोषित किया जा रहा है। तो छात्र जवान नौजवान साथी आप लोग जागिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन आपके लिए आपके रिजल्ट के कारण व्यवहित रूप से विशाल रूप से आंदोलन करने के लिए जा रहा है तो आपकी भी दायित्व बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ आकर एक नए विश्वविद्यालय में इतिहास रचने का काम करते हैं, युवा नौजवान एक होकर छात्र नौजवान एक होकर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल कैसे मिले, कैसे कॉलेज में प्रोफेसर की बहाली हो, कैसे 3 सालों की डिग्री 3 सालों में दिया जाए, कैसे 2 सालों का पीजी का डिग्री 2 सालों में मिले, कैसे छात्र संघ का चुनाव हो, कैसे डिस्टेंस और लॉ में पढ़ाई हो, इसकी मांग को लेकर कर हम लोग हजारों की संख्या में विश्वविद्यालय आ रहे हैं पीला टी शर्ट पीला गमछा पीला झंडा लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को बताने के लिए कि मिथिला का युवा नौजवान जाग चुका है। आप लोगों से आह्वान कर रहे हैं कल 10 बजे आप लोग दरभंगा म्यूजियम आकर हम लोगों के आंदोलन में शामिल होइए, कल 10 बजे दरभंगा म्यूजियम से रैली विशाल रैली हजारों की संख्या में छात्र दरभंगा स्टेशन होते हुए MLSM कॉलेज होते हुए इनकम टैक्स चौराहा होकर विश्वविद्यालय आएंगे और इस लाल बिल्डिंग के महल में बैठे हुए तानाशाह प्रवृत्ति के VC कुल सचिव से सवाल करने का काम करेंगे कि आखिर 1800 करोड़ रुपया हम छात्रों का 18 अरब रुपया किस मद में जाता है, कहाँ घोटाला किया जाता है, कैसे
लूट लिया जाता है, इसका सवाल करेंगे, सवाल पूछेंगे, और जब तक हम लोगों के साथों, हम लोग के सभी सवालों का, हम लोगों के सभी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाएगा, तब तक आंदोलन अनवरत रूप से जारी रखेंगे। छात्र समाज से आह्वान है कि आप लोग जरूर इस आंदोलन में शामिल होइए, यह आंदोलन आपका है। अगर मिथिला विश्वविद्यालय में परिवर्तन आएगा, अगर मिथिला विश्वविद्यालय में चेंजिंग आएगा, तो इसका फायदा आपके छोटे भाई को मिलेगा, आपके बड़े भाई को मिलेगा, क्योंकि मिथिला विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र आपका छोटा भाई है, आपका बड़ा भाई है, आप खुद है। तो आप लोगों से कह रहे हैं कल के आंदोलन में जरूर शामिल होइए, कल इनकलाब का नारा बुलंद करेंगे और मिथिलाबाद को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ चलकर छात्र हित की मांग को लेकर 3 सालों का डिग्री 3 सालों में जारी करवाने की मांग करेंगे। जय मिथिला सब गोटे के, हम जय प्रकाश झा प्रणाम करे छी। एखन अपने सब गोटे के बीच विश्वविद्यालय से उपस्थित भेलौ हन जे काल के जे आंदोलन छे 15 जून विश्वविद्यालय चलो के जे मुहिम हमर सब के छे, जे मिथिला के जे 4 जिला के जे यूनिवर्सिटी छे, मिथिला क्षेत्र के जे नंबर 1 मिथिला यूनिवर्सिटी छे, ओहि मिथिला यूनिवर्सिटी के जे सेशन छे से आप 3 साल के बदला में 5 साल में कम्प्लीट भ रहल छे। पीजी के सेशन 2 साल के सेशन 4 साल 4.5 साल 5 साल में कम्प्लीट होबा जा रहल छे। लेकिन एतुका जे रजिस्ट्रार छथिन, एतुका जे VC छथिन, एतुका जे परीक्षा नियंत्रक छथिन, हुनका छात्र से कोनो लेना देना नहीं छे। आइयो विश्वविद्यालय बंद छे, काल रिजल्ट ले कॉमर्स के, दुर्भाग्य एहन छे जे विश्वविद्यालय में हमर सब के आंदोलन के देखत रिजल्ट जारी कॉमर्स के केलक, लेकिन जखन कॉमर्स के रिजल्ट रात में जारी भेल हन ते में देखल गेल जेके कॉलेज बिरोल, आयाची महाविद्यालय बहेरा, संसन एन बहुत जतेक भी विद्यालय छे ओय में छात्र छात्रा के भविष्य के साथ खिलवाड़ कैल गेले हन। ओकरा कोन हिसाब से ई परीक्षा नियंत्रक महोदय, ई रजिस्ट्रार महोदय परीक्षा के परीक्षा फल घोषित कलखिन हन, ओकर हिसाब हम सब मांगे चाहे छियन, ई जवाब मांगे चाहे छियन जे जे विद्यार्थी 1 साल तक इंतजार कलके परीक्षा परिणाम के, जे 1 साल तैयारी क परीक्षा दलके, ओकरा कोन साजिश के तहत आई फेल कल गेले, आखिर ई अपन निजी फायदा के लेल एतुका रजिस्ट्रार महोदय और VC महोदय ई नया कंप्यूटर सेक्शन के स्थापित करे के कारण ई पुरनका डाटा सेंटर से न्यायालय में जाकर केस लेकर और छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दल के हन। जैमे की बंदूबर VC महोदय कह रहा छथिन छात्र के गुमराह नहीं होय के लेल, छात्र के कोनो भी आंदोलन में शामिल नहीं होय के लेल, तब VC महोदय के ई स्पष्ट कह देवा चाहे छियन जे 2017 में 15 नवंबर का यह तुमका VC SP सिंह पूरा साथी आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे में महाराजा के द्वारा, दरभंगा महाराजा के द्वारा बनाया हुआ शानदार एक महल है जो कहीं ना कहीं आज ऐसी जगह पर पहुंच चुका है। अगर यह चीज दिल्ली मुंबई के छात्रों को मिलता, दिल्ली मुंबई में अगर यह चीज होता, महल होता, तो वहां से पैसा जनरेट किया जाता, वहां पर टूरिस्ट आते, पैसा देते और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता। लेकिन हम लोगों की कहीं ना कहीं एक चीज कहेंगे कि दुर्भाग्य है कि हम लोगों को एक ऐसा महल मिलता है जिसको विश्वविद्यालय बना दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जमीन हमारे राजा महाराजा का दिया हुआ है, बिल्डिंग हमारे राजा महाराजा का दिया हुआ है, और ये व्यवस्था, ये शिक्षा व्यवस्था पिछले 75 सालों में अगर छात्रों को 3 सालों का डिग्री 5 सालों में देने का काम करेगा तो न्यायिक व्यवस्था क्या होगा, छात्रों के जीवन के साथ क्या असर पड़ेगा। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, हम कोई नया चीज नहीं मांग रहे, अरे बिल्डिंग हमारा है, जमीन हमारा है, कम से कम प्रोफेसर की भी बहाली तो कर देते, कम से कम शिक्षा भी तो दे देते इस कॉलेज में। एक भी कॉलेज LNMU का जो अपने आप को आकर बोले कि नहीं मैं शिक्षा बांटता हूँ, यहाँ शिक्षा मिलता है, एक भी कॉलेज साथी ऐसा नहीं है जो आकर कहे कि हम डिग्री नहीं हम शिक्षा बांटते हैं। ये विश्वविद्यालय का काम आज डिग्री बांटने का रह चुका है। मिथिला विश्वविद्यालय एक डिग्री बांटने का विश्वविद्यालय है,
जहां पर लाखों लाख के तादाद में छात्र आते हैं और 3 सालों का डिग्री 5 सालों में लेकर जाने का काम करते हैं। तो ये विश्वविद्यालय एक डिग्री बांटने का विश्वविद्यालय है, तो कम से कम डिग्री भी समय पर बांटे। हम लोग कहते हैं कि अगर आपका काम डिग्री बांटना है तो सही तरीके से डिग्री बांटिए, ऐसा नहीं कि 3 सालों का डिग्री छात्रों को 5 सालों में देने लगे और एक बार में जब रिजल्ट निकाले तो ऐसा रिजल्ट निकाले जिस पर न मार्क्स हो न परसेंटेज हो और आधा से ज्यादा बच्चे फेल कर दिए गए हो, प्रमोटेड कर दिए गए हो। तो ऐसा रिजल्ट हम लोगों को नहीं चाहिए। पहले शिक्षा दीजिए, कॉलेज में पढ़ाइए, फिर आप छात्रों को 90% छात्रों को फेल कर दीजिएगा, हम सवाल नहीं करने आएंगे। हम पार्ट टू के छात्रों से, पार्ट वन के छात्रों से, पार्ट थ्री के छात्रों से, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर, पीजी फोर्थ सेमेस्टर के तमाम कोर्स के छात्रों से अपील करते हैं कि कल का आंदोलन आपका आंदोलन है। कल का आंदोलन कोई भी आपके लिए जब खड़ा नहीं हुआ, कोई बीजेपी, कोई आरजेडी, कोई कांग्रेस आपके लिए खड़ा नहीं हुआ, तो आज आपके लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन साथ आया है। साथ ही हमारे जिस 4 जिला में, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, जिस 4 जिला के लिए एक विश्वविद्यालय बनाया गया है, लगभग 36 विधायक है, 6 सांसद है, सबके सब क्या कर रहे हैं? 3 सालों का डिग्री खुलेआम छात्रों को 5 सालों में दिया जा रहा है, ये 36 विधायक क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बीजेपी का विधायक, क्या कर रहे हैं आरजेडी का विधायक, क्या कर रहे हैं कांग्रेस का विधायक? इनको छात्रों की चिंता नहीं है। जब 85,000 छात्रों का रिजल्ट रुका हुआ था, छात्र नौकरी के लिए परेशान थे, छात्र आगे के एजुकेशन के लिए परेशान थे, तब हम लोग आगे आए थे 200 छात्रों के साथ, इस बीसी को बीसी आवास में, बीबीसी चैम्बर में बंद करने का काम किए थे और 2 घंटा के बंद किए और 1 सप्ताह के बाद रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया और बदले में एक FIR हम लोगों के ऊपर कर दिया गया। मतलब एक FIR जारी होता है और 85,000 छात्रों का रिजल्ट आता है। साथ ही क्रांति से काम करना पड़ेगा, इस व्यवस्था से आंख में आंख मिलाकर सवाल करना होगा। जब तक सवाल नहीं कीजिएगा तो ये व्यवस्था ऐसे ही 1800 करोड़ रुपए का बजट बनाकर यहाँ के छात्रों को 3 सालों का डिग्री 5 सालों में देता रहेगा। 2017 से पहले लोग सोचते भी नहीं थे, छात्र सोचते भी नहीं थे कि डिग्री समय पर हो सकता है। हम लोगों ने छात्रों को एक सपना दिखाया, 15 नवंबर का आंदोलन किया, 2018 से डिग्री कंटिन्यू हुआ। यहाँ के छात्रों को, जब पूरे बिहार का विश्वविद्यालय का छात्र डिग्री 5 सालों में ले रहा था, तब हम लोग यहाँ डिग्रियाँ 3 सालों में लेने का काम किए थे। लेकिन जब से यह तानाशाह प्रवृत्ति के कुलपति, कुल सचिव यहाँ पर पद पर बैठे हैं, तब से ये लोग तानाशाही कर रहे हैं। एक पोखर को करोड़ों रुपया लगाकर स्विमिंग पूल बना दिया गया, शिक्षक को, प्रोफेसर हो, कोई भी आपका पदाधिकारी हो, उनका ट्रांसफर जारी है, हर दिन किसी का ट्रांसफर किया जाता है। हम लोगों के ऊपर इनके कार्यकाल में 6 FIR किया गया है। लेकिन हम लोग इन लोगों को बता देना चाहते हैं, कल आ रहे हैं, हमारा मांगों पर अगर सकारात्मक पहल नहीं हुआ तो हम लोग अगर उग्र हुए तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये भी बात याद रख लीजिएगा कि अगर आंदोलन पर सकारात्मक पहल नहीं किया जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि छात्र बीसी के चैम्बर में घुसने का भी काम करेंगे। कैपेसिटी नहीं छो, तू सब 1800 करोड़ लगा खाई छी, सुतै छी एसी के चम्बर में, खा का पान खा का तू सब घिने रहे छी। यूनिवर्सिटी चलते एना चलते, यूनिवर्सिटी एना नहीं चलतो, तोरा सब सिस्टम में आवा पड़तो। हम बार बार कहे छी, ललित बाबू के शपथ खा का कहे छी, मिथिला यूनिवर्सिटी ललित बाबू के शपथ खा का कहे छी, अगर एत के छात्र हमरा सब के संग आवे तो यूनिवर्सिटी के काल तक सिस्टम में आवा पड़ते और सिस्टम में आन देवे। जय मिथिला, जय जानकी। आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट है क्या? किस कॉलेज के स्टूडेंट है? मिलिट कॉलेज। किस क्लास के हैं? थर्ड ईयर। कौन सेशन क्या आप लोग? सेशन 19 से 22 से। 22 में तो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए था। जी बिल्कुल। क्या हुआ, अभी तक पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया? नहीं आया। कौन सा स्ट्रीम है? साइंस है। अभी कॉमर्स का कल रिजल्ट जारी किया गया, उसमें लगभग 70% बच्चा को फेल कर दिया गया। तो आप लोगों का भी रिजल्ट, तो ऐसा संभावना है ना कि क्या ठीक है उसका भी गड़बड़ कर दे। मांग के लिए तो कल आएंगे। कल आप लोग आ रहे हैं 15 जून को? पता है आप लोगों को 15 जून को आंदोलन होने के लिए जा रहा है? पता है। सारे आदमी को पता है। कहाँ आना है? म्यूजियम 10 बजे। म्यूजियम 10 बजे
वहाँ से हम लोग आएंगे विश्वविद्यालय के लिए, अपनी मांग रखेंगे कि भाई 3 सालों का डिग्री 3 सालों में दो। साथ ही एक सपना हम लोगों ने युवाओं को दिखाने का काम किया, छोटे छोटे 11-12 के नौजवान को एक सपना दिखाने का काम किया है कि आप भी इस आंदोलन में शामिल होइए। अगर आप शामिल होइएगा तो ये भैया जो अभी दे रहे हैं पार्थरी का एग्जाम, इनका तो सेशन ऑलरेडी लेट हो चुका है, हम जान रहे हैं कि इनका लेट 6 महीना के बाद ही मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग जाग गए तो इतने दावे के साथ कहेंगे कि आप लोगों को डिग्रियां समय पर मिलेगा। आप लोगों से अपील है, यह आंदोलन आप लोगों का है, लगातार 1 महीना हम लोगों ने आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करने का काम किया है, लगभग 1 लाख छात्रों तक हम लोगों ने अपनी बात रखने का काम किया है। इस बीच में तमाम कोचिंग संस्थानों से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि कल का दिन आप लोग छुट्टी रखिए, इतना कोचिंग पढ़ाकर कोई फायदा नहीं है कि जब 3 सालों का डिग्री 5 सालों में दे तो इतना कोचिंग पढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि एक दिन आएंगे, जबरदस्त तरीके से आएंगे, हजारों की संख्या में आएंगे और जो मांग है उसको पूरा करवा के जाएंगे। अगर मांग पूरा नहीं होगा तो भीसी साहब अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हजारों छात्र उस दिन सपना लेकर आ रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में परिवर्तन हो और 15 जून का आंदोलन परिवर्तन लाएगा, मिथिला विश्वविद्यालय को बदलेगा और मिथिला को भी बदलने का काम करेगा। जय मिथिला, जय मिथिलाबाद। सभी साथी कल जरूर 10 बजे तक दरभंगा म्यूजियम आइए, चाहे आपका दूर 50 किलोमीटर घर दूर हो, 100 किलोमीटर दूर हो, एक दिन बनाम 2 साल है, या तो 2 साल तक आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए, वरना एक दिन हमारे साथ आंदोलन में आइए। साथ ही हम स्पष्ट बोल रहे हैं, जितना भी पेंडिंग रिजल्ट रुका हुआ है, जो भी समस्या छात्रों की है, पार्ट टू के छात्रों की जो समस्या है कॉमर्स वालों की, हम सारे मामलों पर संज्ञान लेंगे और सब पर सकारात्मक पहल करवाकर आंदोलन से उठेंगे और इनकलाब का नारा बुलंद करके छात्रों को जगाने का काम करेंगे। जय मिथिला, जय मिथिलाबाद, जय जानकी।